नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों, ये जो शख्स को यहाँ पर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, इनका नाम है गीर्ट विल्डर और ये एक डच पॉलिटिशियन है। डच पॉलिटिशियन आप लोगों को मैं बता दूं कि दरअसल होता क्या है ना कि नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं अक्सर, यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं ना, इनको कहा जाता है डच पीपल। तो ये डच पॉलिटिशियन है, यानी कि यहाँ के पॉलिटिशियन है। और इनकी आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बताऊँ तो इनकी द्वारा खुद की बनाई इनकी पार्टी है PVV, जिससे ये बिलोंग करते हैं। ये एक फार राइट पार्टी है और इनका द्वारा हाल में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये हिंदू जो है उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। उनको आप लोग कह सकते हो कि हमेशा उनके जो इंटरेस्ट की बात है वो करेंगे। और इनका कहना है कि हिंदू जो है वो प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो ये इलेक्शन था, इससे पहले होता है ना कि हर जो नेता होता है वो बोलता है कि मैं जीता इलेक्शन तो ये करूँगा वो करूँगा, जो भी एजेंडा वो सामने रखता है। इनका जो एजेंडा है ना, उसके बारे में अगर आप लोग देखो तो ये कहा जाता है कि ये बने अगर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इलेक्शन का रिजल्ट, ये बाकी पार्टीज के अगेंस्ट में तो आप लोग कह सकते हो सबसे ज़्यादा इनने वोट्स और सबसे ज़्यादा जो सीट्स है उसको सिक्योर किया, लेकिन इनको मेजोरिटी नहीं मिली है। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि ये बनेंगे कि नहीं, लेकिन अगर ये बनते तो इनके ऐसा बताया जा रहा था कि ये मॉस्क वगैरह इस पर बैन लगाते थे, कुरान पे बैन लगाते, इस तरीके के एंटी इस्लामिक जो स्टेप्स है वो इनके द्वारा लिए गए थे। क्यों ये लिए जाते, क्योंकि इनका आप लोग पास्ट के स्टेटमेंट देखो ना, या फिर इनके जो विचारधारा वो इस तरीके से कि जो इस्लाम है वो यूरोप के लिए या फिर एटलीस्ट नीदरलैंड के लिए खतरा है। इसके अलावा सिर्फ ये आप लोग कह सकते हो नीदरलैंड में नहीं हो रहा, इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो यूरोप की सारी कंट्रीज जो हैं, मोस्टली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि फार राइट ग्रुप जो है उनका राइज हो रहा है। फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर में आ रही है। एक टाइम था, मैं आप लोग को बता दूं कि जो राइट विंग पॉलिटिशियंस थे, जो राइट विंग पार्टीज थी, उनको पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में हेट किया जाता था। क्यों ये हेट किया जाता था? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि ये आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा एक्सट्रीम विचारधारा रखते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। राइट विंग, लेफ्ट विंग, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, राइट विंग क्या होता है ना, जो इनका कल्चर होता है, जो इनका पास्ट होता है, जो आप लोग कह सकते हो नेशनलिज्म होता है, इस सब चीज़ों को ज़्यादा ये प्राथमिकता देते हैं। जबकि जो लेफ्ट विंग होती है ना, वो लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। तो जो राइट विंग पार्टी थी ना, वो आप लोग कह सकते हो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हेट किया जाता था उनसे यूरोप में। क्यों ये किया जाता था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सबने देखा था, राइट विंग पार्टी जो थी, एक्सट्रीम राइट विंग जो पार्टी थी, फैसिस्ट पार्टी जो थी उस टाइम पे, उनकी वजह से ये वॉर हुआ था। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए एक टाइम पे वॉर के बाद आप लोग कह सकते हो लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब के जो आइडियाज़ थे ना, डेमोक्रेसी, इन सब के जो आइडियाज़ थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे पूरे यूरोप में। तो जो लोग थे वो भी इसको मानते थे कि यही होना चाहिए, राइट विंग जो पॉलिटिक्स है वो वॉर करा सकती है, इस तरीके की मान्यता थी। मैं आप लोग को बता दूं कि एक टाइम पे एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया का, जॉर्ज हैडर जिसका नाम था, हैदर नाम से ये मत समझना कि ये मुस्लिम थे, ये बहुत ही ज़्यादा एंटी इस्लामिक थे। ये जब इलेक्शन में जीते नहीं, खाली इनने जो सीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लिया, अराउंड 25% से ज़्यादा जो वोट्स है वो इनने अपने लिए सिक्योर कर लिया, अपनी पार्टी के लिए मेरा मतलब है सिक्योर कर ली। उसके बाद हुआ क्या कि पूरे यूरोप से ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शन जो है वो लिए जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिलेशंस है वो धीरे धीरे काटने लगी, यूरोप की कंट्रीज जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स थी उसको कैंसिल कर दी गई, इस तरीके के बहुत से एक्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लिए जाने लगे। तो आप लोग खुद सोचो कि एक टाइम पे कितना ज़्यादा जो एक्सट्रीम राइट विंग था उसको गलत माना जाता था पूरे यूरोप में। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अब कहा यह जा रहा है कि राइट विंग जो पार्टीज़ हैं, राइट विंग जो ग्रुप्स हैं, उनका राइज हो रहा है पूरे यूरोप में। यहाँ आप लोग देख सकते हो कुछ, यहाँ पर मेरे पास डाटा है। इटली में हम लोग जानते हैं जॉर्जिया मेलोनी जो है ये एक राइट विंग पॉलिटिशियन है, इनने हाल में एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई थी। दरअसल मैं अपने आप को करेक्ट कर दूँ, ये जो स्टेटमेंट था ना इनका, ये हाल का नहीं था, ये स्टेटमेंट बहुत पुराना था। लेकिन हुआ क्या कि एक कभी कभार होता है ना, पुराने स्टेटमेंट को चला दिया जाता है और सब सोचते हैं हाल का ही है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। ये जो स्टेटमेंट इनने दिया था कि जो इस्लाम है वो यूरोप में, आप लोग कह सकते हो इनका कहना था कि जो यूरोप है उसमें इस्लाम की कोई भी जगह नहीं है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है इसको बाद में पॉपुलर जैसे कर दिया जाता है, वैसे ही कर दिया गया था हाल में, जिसके कारण अभी हाल में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बनी हुई थी।
उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊं तो यही हाल है फ्रांस का। फ्रांस के ये जो लीडर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये भी बहुत ज़्यादा राइट विंग है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा बाकी कंट्रीज भी अगर आप लोग देखो ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं यही हाल है। नीदरलैंड का मैंने आप लोग को बता ही दिया, यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है आप लोग देख सकते हो, जो ये रेड में दिख रहा है ना आप लोग को, रेड वाला जो ब्लॉक है, ये आप लोग कह सकते हो पूरे राइट विंग को रिप्रेजेंट करता है। और जो जितना ज़्यादा रेड कलर का ये ब्लॉक होगा, उतना ज़्यादा आप लोग कह सकते हो राइट लीन होगा। जो सबसे ज़्यादा रेड है वो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज़ के लिए डिनोट करता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और फिर जो उससे कम रेड है वो थोड़ा लीन है राइट विंग की ओर, लेकिन पूरा एक्सट्रीम विचारधारा नहीं रखता है। उससे कम जो रेड है वो थोड़ा कम लीन है राइट विंग की ओर, लेकिन राइट विंग पार्टी ही है। ऐसे ही अगर आप लोग देखो ना, तो लेफ्ट विंग के लिए जो डिनोट करता है वो है रेड कलर से, और राइट विंग के लिए जो डिनोट करते हैं वो है ब्लू कलर से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो एरिया है ना वो राइट विंग का बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ये यूरोप की हालत है, और इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो राइट विंग पार्टीज है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं यूरोप में। और अब सवाल आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, क्यों ये जो यूरोप है जहाँ पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हेट किया जाता था, एक टाइम पर आप लोग कह सकते हो कि लिबर्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स, ये सब जो आइडियोलॉजीज थी, ये सब जो टर्म्स थे ये काफ़ी फेमस थे, इसी के पीछे प्रोटेस्ट हो जाते थे, लड़ाई हो जाती थी, आप लोग कह सकते हो कि इवन की क्लैशेज हो जाते थे। तो अब जो राइट विंग पार्टीज है इनको कैसे सपोर्ट मिलने लगा, क्यों ये प्रोमिनेंट होने लगी, क्यों आप लोग कह सकते हो ये जो मेन स्ट्रीम है उसमें आने लगी, कैसे बेसिकली ये मेन स्ट्रीम में आने लगी, ये एक बड़ा सवाल बनता है। इसके जवाब में मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो देखो बात क्या है ना कि ये बात ठीक है कि यूरोप ने बहुत टाइम से ये जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी हैं, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से यूरोप ने बहुत कुछ झेला भी है। आज के टाइम में अगर आप लोग देखो ना, तो इमिग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है यूरोप के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सी फैसिलिटी जो है यूरोप में अवेलेबल है। इसी की वजह से होता क्या है ना कि बहुत से लोग इंडिया से भी, या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज भी हो गई, यहाँ से डंकी मार के इलीगल तरीके से भी यूरोप में जाते हैं और फिर वहाँ पर रहते हैं और पकड़े जाते हैं, तो ये कह देते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है हमारी कंट्री में, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे। और क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं इस तरीके की चीज़ों को, ह्यूमन वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा मानती हैं, उसको प्रमोट करती है, और एक ऑब्लिगेशन भी होता है होस्ट कंट्री में कि आप ऐसे ही किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए जो जहाँ पर उसकी लाइफ थ्रेटन्ड हो। तो इसी वजह से ये कंट्रीज कुछ नहीं कर पाती है। तो इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू डेवलप हो गया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जो लेफ्ट विंग पार्टीज होती है ना वो सबको इक्वल मानती है, वो बहुत ज़्यादा कल्चर या फिर आप लोग कह सकते हो डिफरेंसेस जो होते हैं जेनेटिक बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, उसको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती है। तो यही कारण है कि इनको नंबर जो है यूरोप में इमिग्रेंट्स के जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। खैर ये भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ गए, आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर एक मेजर इशू बनता जा रहा है वो आप लोग देखोगे जो इस्लामिक इमिग्रेंट्स है वो पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल का कारण बनते जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं हुआ, इस तरह के बहुत से आर्टिकल आप लोग देखोगे तो आप लोग को इस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक मैंने लगा भी दिया आर्टिकल इस तरह के, और भी आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सवाल पूछ सकते हो कि ये जो डंकी मार के लोग जाते हैं इलीगल तरीके से जो जाते हैं, इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं, इसमें हिंदूज भी होंगे, इसमें मुस्लिम्स भी होंगे, बाकी रिलीजन के भी होंगे, तो क्यों सिर्फ इस्लाम इस्लामिक रिलीजन को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं, क्यों आप सिर्फ इस्लाम के लोगों को बदनाम कर रहे हो कि वही यहाँ के लिए ट्रबल बन गए। तो देखो ऐसे में मैं बताऊँ ना, ये चीज़ मैं नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को लेकर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बहुत से आर्टिकल भी आप लोग को मिल जाएंगे। देखो होता क्या है ना कि आप सब जानते हो कि जो इस्लामिक रिलीजन है ना ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड रिलीजन है, आप लोग कह सकते हो। इसमें हर चीज़ के लिए रूल मेंशन है, वुमेन को किस तरीके से रहना है, आपको खाना क्या है, आपको पहनना क्या है, और आप लोग कह सकते हो कि जो इसके फॉलोवर्स भी है ना वो जहाँ जाते हैं थोड़ा बहुत उत्पाद जो है वो मचा देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग की आदत है कि हम लोग जो रिलीजन है इसकी इंपॉर्टेंस है रिलीजन के हिंदू में भी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के जो सिस्टम होता है, वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ के जो ट्रेडिशन होते हैं उसके रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग की आदत भी है कि हम लोग
घुल मिल जाते हैं। मेन हमारा जो फोकस होता है वो होता है काम का, कि हम लोग को काम करना है, उसके लिए घुलना मिलना पड़ता है लोगों के साथ। तो ये सब सी चीज आप लोग कह सकते हो कि हम लोग आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि रिलीजन जो रिलीजन की इम्पोर्टेंस है, लेकिन रिलीजन हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारे जो रिलीजन है उसमें कर्म हो गया, और फिर आप लोग कह सकते हो जो ड्यूटी हो गई, जो ऑब्लिगेशन है कंट्री के लिए या फिर जहाँ भी आप रह लो उसके लिए, इस सब चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और यही कारण है कि हिंदू जो है वो कहीं पर भी आसानी से बस जाते हैं, वहाँ पर घुल मिल जाते हैं। इस्लामिक रिलीजन जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडनेस है, और जो इसके फॉलोअर्स हैं उनकी डिमांड भी हमेशा अजीब गरीब होती है। इंडिया में भी आप लोग ने देखा होगा, ये लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग स्कूल में भी हिजाब पहनेंगे, हम लोग जो खाना है वो भी अपनी तरीके से बनाएंगे, जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ में हम लोग अपना कानून शरिया लॉ जो है वो बनाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि उसका क्लैश होता है यूरोप की जो कल्चर है उसके साथ, और यही क्लैश का कारण है कि यहाँ पर ये अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, ये वहाँ के ट्रेडिशन को नहीं समझ पाते हैं, और इस सब चीज़ों के चलते जो भी आप लोग कह सकते हो टशल है वो क्रिएट होता है। उसके अलावा आप लोग देखो ना, तो बहुत से उल्टे सीधे काम जो है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से इस तरीके की भी रिपोर्ट है कि ये जो इमिग्रेशन है जो यूरोप में हो रहा है, ये जानबूझ के भी कराया जा रहा है। एक तरीके से यहाँ की पूरी डेमोग्राफी जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इन कंट्रीज़ में भी एक बड़ा से हो जो मुस्लिम है उनके हाथों में इस तरीके की साजिशें की जा रही है। इस तरीके के बहुत से चीज़ें जो है ना, वो आप लोग देखो तो बातें वो की जाती है। कितना सच है कितना नहीं मैं नहीं जानता इसके बारे में, कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा इसके बारे में, लेकिन इस तरीके की चीज़ें भी की जाती है। उसके अलावा देखो, यूके का एक केस है, आप लोग ने सुना होगा कि यूके में जो ग्रूमिंग गैंग है वो छोटी छोटी बच्चियों को 12 13 14 साल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने का काम कर रहा है। इस तरीके के बहुत से उल्टे सीधे काम जो है ना, वो भी आप लोग कह सकते हो इनके द्वारा, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जो इस्लामिक इमिग्रेंट्स हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो हाल में क्या हुआ कि इसराइल हमास के वॉर में हम लोग ने क्या देखा कि यूरोप की जो कंट्रीज है वो इसराइल का सपोर्ट कर रही है। आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि हमास का जो एक्शन है उसको कंडेम किया जा रहा है बहुत सी यूरोपियन कंट्री द्वारा, लेकिन वो क्या रहा है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, बाकी जर्मनी हो गया, इस तरीके की जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो आके प्रोटेस्ट कर रही है, वो हमास के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। तो जो कंट्री जहाँ पर ये रह रहे हैं उनके जो साइड है उसकी ये सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे आप लोग कह सकते हो सपोर्ट किया जा रहा है किसको, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना हो गया कि आप हमास का साथ दो, या फिर आप लोग कह सकते हो कि पूरी तरीके से जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट करना हो गया, इतनी बड़े बड़े प्रोटेस्ट करना हो गया। जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तो मैं बहुत से इस तरीके के जो ट्विटर पोस्ट है वो पढ़ रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जो यूरोप है वो पूरा इस्लामाइज्ड हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि इस्लामिक उसमें चेंज हो गया पूरी तरीके से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूरोप के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि डर गए एक तरीके से। उनको भी अब लग रहा है कि जो राइट विंग ग्रुप है उनका भी होना जरूरी है, ताकि जो हमें हमारे साथ एक तरीके से इनका कहना है कि साजिश रची जा रही है, हमारी डेमोग्राफी को जो चेंज किया जा रहा है, जो यहाँ पर उत्पाद मचाया जा रहा है, उनको रोका जा सके। और यही कारण है अगर आप लोग देखो ना, तो हाल में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका राइज हो रहा है यूरोप में,